हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, दिस इज डेट 5th ऑफ जून 2020। केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 चल रहा है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसका लेक्चर 2 है। तो वही रूल है, जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा पहले लेक्चर 1 देख लें, प्लेलिस्ट में भास्कर क्लासेस में मिल जाएगा। और जिन्होंने देखा है लेक्चर 1, तो लेक्चर 2 में जो स्टार्टिंग है हमारा, कल लास्ट फिनिशिंग जो है वो बैलेंसिंग से चल रहा था। तो आज के क्लास में हम लोग बैलेंस द फॉलोइंग का जितना क्वेश्चन हो सके, एटलीस्ट एनसीईआरटी का, उसको करने का ट्राई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल रिएक्ट टू गिव हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको बैलेंस करना है। लेक्चर 1 में सिखाएगा कि बैलेंसिंग क्यों करना है, है ना, क्यों करना है, होते तो रहेगा, क्यों करना है ये बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ये लेक्चर 1 के एंड में आपको सिखाया गया था, एक बार जरूर से देख लेंगे, बाकी बैलेंस करते हैं। तो ये हाइड्रोजन है, तो यही पर क्लास 9th का कॉन्सेप्ट लगेगा। हाइड्रोजन इज एन एग्जांपल ऑफ डाइएटॉमिक गैस, एच नहीं लिख सकते, एच टू लिखना पड़ेगा। उसी तरह से क्लोरीन इज एन एग्जांपल ऑफ डाइएटॉमिक गैस, दिस इज Cl2 एंड दिस विल बी HCl। अब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करें या फिर एटम्स का कंजर्वेशन, या फिर जिसको बैलेंसिंग कहते हैं उस हिसाब से देखेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 एटम है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 ही एटम दिख रहा है, क्लोरीन का भी 2 एटम है, मॉलिक्यूल एक है, यहाँ पर क्लोरीन का 1 दिख रहा है। इस तरह से इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। तो H2 plus Cl2 will give twice of HCl, ये इस क्वेश्चन का बैलेंसिंग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये बेरियम क्लोराइड है। अब जो लोग क्लास मैंने लेक्चर 1 में थे और 9th में भी आप लोगों को सिखाया गया था, बेरियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटोमिक नंबर 20 के ऊपर है। अब 20 के ऊपर का रूल रेगुलेशन बैलेंसिंग का, अब मेरे को तो मालूम है, बट आपको करने के लिए 10th क्लास में उपाय नहीं है, तो हम लोग करेंगे क्या, 9th में भी बताया गया था मेजर मेटल्स जो है उन सबका बैलेंसिंग 2 है। आपको क्लास 10th में ये याद भी करना पड़ेगा, जैसे सिल्वर गोल्ड वगैरह हुआ तो उन सबका बैलेंसिंग 1 है मेटल में, अदरवाइज जितना भी मेजर है, खासकर जो 20 के बाहर जैसे चला जाए, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, बेरियम हो गया, है ना, वेरिएबल वैलेंसी भी है, बट बेरियम की वैलेंसी 2 है, उसका निकालने का कोई भी तरीका क्लास 10th में नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। और याद करके सब्सटेंस मॉलिक्यूल का नाम, कंपाउंड का नाम बना करके आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बेरियम की वैलेंसी जो है वो एक्चुअली में 2 है, यहाँ साइड में कहीं पर लिख देते हैं, दिस इज बेरियम, बेरियम की वैलेंसी 2 होती है। क्लोरीन की तो 10th में 9th में पढ़े थे 1 होती है, तो कंपाउंड का नाम विल बी BaCl2, this is barium chloride। Aluminium sulfate तो ठीक है, 10th में 9th में भी पढ़ना था, aluminium की valency 3, sulfate की valency 2, so this comes out to be Al2SO4 का whole thrice, aluminium sulfate, और ये react होके बना रहा है barium sulfate, तो barium का 2 है, sulfate का भी 2 है, so this is barium sulfate BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम की 3 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, 9th में सिखाया गया था, दिस विल बी एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। अच्छा, कल लास्ट में सिखाया गया था स्टेट लिखने के लिए, तो इसमें सीधा सा नियम यह है कि अगर आपको उस केमिकल रिएक्शन में स्टेट कंफर्म मालूम हो तो लिखिए, बोला नहीं है लिखने बैलेंस में तो झूठ मूठ अपने से आपको स्टेट नहीं लिखना, ठीक है, इस चीज को ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे बैलेंस किया जाए, तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे बड़ा जो पॉलीएटॉमिक आयन है ये है सल्फर का 3, यहाँ पर अगर 3 लगा देते हैं तो अब बेरियम का 3 हो जा रहा है, यहाँ पर बेरियम का भी 3 लगा देते हैं, तो अब अगर देखें क्लोरीन का 6 हो जा रहा है, तो यहाँ पर अगर 2 लगा देते हैं तो ये जो है वो बैलेंस हो जा रहा है। थ्राइस ऑफ BaCl2, क्लोरीन का 6, एल्यूमिनियम का 2, एल्यूमिनियम का 2 और SO4 का ही 3, तो SO4 का 3, तो ये इसका बैलेंसिंग हो जा रहा है, ठीक है। क्रिस क्रॉस का भी आइडिया रखना पड़ेगा बच्चों। उस तरह से सोडियम प्लस वाटर, तो सोडियम इज Na, वाटर इज H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH, हाइड्रोजन गैस इज H2, ठीक है। इसको बैलेंस अगर करना पड़े इस तरह से करेंगे, बताइए आप लोग। अगर इधर 2 लगा देते हैं, एक्चुअली मैं हाइड्रोजन अभी अगर 2 लगा दें और सोडियम का भी 2 लगा दें, है ना,
सोडियम का दो, हाइड्रोजन का चार और ऑक्सीजन का दो, ऑक्सीजन का दो, और ये बैलेंस का फॉलोइंग में बैलेंस हो जा रहा है। ठीक है, इसको नोट करके रखो। तो क्वेश्चन नंबर फोर, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट्स टू गिव इन सॉल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका क्या उपाय है? तो अब यहां पर बेरियम क्लोराइड, अगर आपको बताया गया था बेरियम 20 के बाहर है, दो क्लोरीन का वन है, दिस विल बी BaCl2, और सोडियम सल्फेट है, सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, सो दिस इज क्रिस्टलस, दिस इज Na2SO4। इन वाटर वर्ड लिखा हुआ था, इससे कुछ करेंगे, इन सोल्यूबल बेरियम सल्फेट, बेरियम का दो, सल्फेट का दो, सो दिस इज बेरियम सल्फेट प्लस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं NaCl। ठीक है, अब सबसे पहले अब इस क्वेश्चन में, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था, जहां पर स्टेट वगैरह नहीं मेंशन हो, नहीं बोला हुआ तो खुद से नहीं लिखना। अब इस क्वेश्चन में मेंशन है, तो ऐसा क्वेश्चन में आपको स्टेट वगैरह अपना दिमाग से सोच सोच के लिखना पड़ेगा। बैलेंस बोला है बट साथ में कुछ कुछ आपको हिंट भी दिया हुआ स्टेट वगैरह लिखने के लिए, तो स्टेट वगैरह लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये एक्वस इसमें लिखते हैं AQ, एक्वस वाटर में है, जब सॉल्यूशन का क्वेश्चन वाटर का सॉल्यूशन, वाटर का सॉल्यूशन, वाटर का सॉल्यूशन, वाटर का सॉल्यूशन हो, तो स्टेट यहां पर आपको एक्वस लिखना है, AQ। ठीक है, अब ये लिख रहा है इनसॉल्यूबल है ना, इनसॉल्यूबल है तो ये सॉलिड फॉर्म में होगा। कल जो लोग क्लास किए थे इसी को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं, वैसे तो आपको प्रेसिपिटेट आगे भी पढ़ना है बट इन्हीं सबको प्रेसिपिटेट बोला जाता है, सिर्फ ऐसे बैलेंसिंग में काम नहीं है बट हम लोगों को इसका कलर याद करके रखना है, इसका कलर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, बैलेंस करने बोला है, बोला नहीं है व्हाइट पेपर लिखने के लिए बट इस चैप्टर में काम आएगा इसलिए बस ऐसे लिख करके रखते हैं, और ये पानी में ही रह गया तो ये एक्वस। ठीक है, अब हम लोग इसको बैलेंस करने का, मेन क्वेश्चन तो बैलेंसिंग का था, बाकी सब तो ऐसे ही अपने से लिख दिए, तो अब बैलेंस करके देखते हैं। Na2SO4 है तो इसको दो लगा देते हैं, इसको भी अगर दो लगा देते हैं और इस पर भी अगर दो लगा देते हैं, नहीं रुक जाओ जरा सा, थोड़ा सोच के इसको करना पड़ेगा। बेरियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, ठीक है, यहां पर अगर दो लगा दें तो शायद अभी ये बस बैलेंस हो गया है ना, बेरियम का एक Cl2, तो क्लोरीन का दो, सोडियम का दो, सोडियम का दो, सल्फेट का एक, सल्फेट का एक, सो दिस इज बैलेंस। सिर्फ NaCl के आगे 2 लगा देने पर ये केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इसमें भी लिखता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर वर्ड मेंशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर वर्ड मेंशन है, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखोगे इन वाटर है तो यहाँ पर एक्वस लिखना पड़ेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl वाटर है तो इसमें भी एक्वस लिखना पड़ेगा, क्या बना रहा है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ही लिखा हुआ है, NaCl ये भी एक्वस है और यहाँ पर वाटर है तो इसके बगल में एक्वस नहीं लिख करके इस तरह से लिक्विड लिखते हैं, क्योंकि ये खुद ही एक्वस वाटर वाला ही है, सॉल्यूशन फॉर्म में जब लिखते हैं तब एक्वस, वाटर खुद का सोल्यूशन नहीं है, वहां पर हम लोग लिक्विड लिखते हैं, इसको ख्याल रखना। और अब इसको बैलेंस करने का शायद जरूरत नहीं है, ये शायद पहले से बैलेंस है, सोडियम वन हाइड्रोजन एक और एक दो, तो हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक अकेला तो ऑक्सीजन एक अकेला, क्लोरीन एक अकेला तो क्लोरीन एक अकेला, ये सेल्फ बैलेंस्ड है, ये पहले से भी ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है, जबरदस्ती इसको बैलेंस मत कर देना, पहले से बैलेंस है तो ये नहीं कि उसको जबरदस्ती जो है वो बैलेंस कर दिया। अब नेक्स्ट, तो ये देखो हाइड्रोजन गैस है, सब एनसीईआरटी का ही है, हाइड्रोजन गैस है तो H2 गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म एमोनिया, एमोनिया का ये फॉर्मूला होता है, ये क्लास 9th में जब सम इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स का नाम याद करवाया जा रहा था
तो वहां पर बताया गया था, जैसे जो लोग पढ़ने में थोड़े से कमजोर है उन लोग इस तरह से सोचो कि अगर तुमको नाम ही मालूम नहीं रहेगा तो तुम लिख करके बैलेंस कैसे करोगे, है ना। नाम ही मालूम नहीं रहेगा तो लिख करके बैलेंस कैसे करोगे, तो नाम थोड़ा एटलीस्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चंस का याद करने का ट्राई करना होगा। तो H2 प्लस N2 रिएक्ट्स टू फॉर्म एमोनिया गैस NH3। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पर दो लगा दिए तो, और यहाँ पर तीन, तो हाइड्रोजन का 6 और नाइट्रोजन का 2, ये बैलेंस हो गया। दूसरा देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये भी क्लास 9th में सीखा गया था, सल्फाइड डीई है, डीई है, डीई है, डीई है, टीई नहीं है, सल्फाइट नहीं है, सल्फाइड है, तो ये सिखाया गया था, जो लोग याद होगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी इज 1 एंड सल्फर की वैलेंसी इज 2 एंड इफ वी विल क्रिस क्रॉस दिस विल बी H2S गैस है, बर्न कर रहा, बर्न बर्न में हिंट है, एक गैस किसी भी बर्न करते समय केस में वहां पर ऑक्सीजन का सप्लाई होना जरूरी है, उसमें तो लिखा हुआ नहीं है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन गैस लेना पड़ेगा, सल्फाइड है, नहीं गलत नाम लिख दोगे तो गलत लिखाएगा तो फिर बैलेंस भी गलत होगा। वाटर को चलो हम लोग जानते हैं H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्लास 9 में से क्या करें, यहाँ पर बोल ही दिया है कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो वहां क्रिस क्रॉस नहीं करना है, वो तो बोल ही रहा है कि सल्फर के साथ डाइऑक्साइड, मतलब दो ऑक्सीजन है, तो तुमको क्रिस क्रॉस नहीं करना है। क्लास 9 में सिखाया गया था, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया है, तो तुमको क्रिस क्रॉस नहीं करने का, चुपचाप बस नाम लिख देने का, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको थोड़ा खुद से वीडियो को पॉज करके बैलेंस करने का ट्राई करो, ठीक है, करके देखो क्या आता है। तो ऑक्सीजन पर ही प्रॉब्लम है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो एलसीएम के हिसाब से यहां पर 3 पहले लगाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, दो एक 3 है ना, तो 3 है तो कम से कम 6 तो करना है। यहां पर 2 लगा देते हैं, यहां पर 2 लगा देते हैं, और सल्फर का भी 2 है ना। थोड़ा सा कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है क्या, ऑक्सीजन का 2 2 4, ऑक्सीजन का 6 हो जाए, थोड़ा सा इसको ठीक से बैलेंस करने का आप लोग ट्राई करें, ठीक है। बैलेंस कर लिया होगा तुम लोगों ने, जैसे 2 3 2 2 2 3 2 2 पर ही हो पाएगा ये। हाइड्रोजन का 4, तो हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का तो 6 हो गया था, तो ये 2 2 4, ये 4 हो गया, 2 और 2 तो 4, और ये 2 6 हो गया, और हाइड्रोजन का 4 था तो हाइड्रोजन का 4 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पोटेशियम मेटल है, पोटेशियम मेटल फॉर्म में है, रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको थोड़ा सा आराम से अपना आप लोग ट्राई करें, थोड़ा देख लो कि स्टेट लिखने का बंदोबस्त है क्या, तो थोड़ा बहुत बंदोबस्त क्या होगा, पोटेशियम मेटल वन लिखा हुआ मतलब ये सॉलिड लिख सकते हैं, H2O पर लिक्विड, पानी में ही रह गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये गैसियस फॉर्म यहाँ पर लिख दिया हाइड्रोजन में। तो स्टेट बोर्ड तो यही मैं बता रहा था अभी 10-12 मिनट पहले, जब तक क्लियर हिंट ना रहे स्टेट लिखने का, तब तक अपने से झूठ मूठ का स्टेट स्टेट लिख करके क्वेश्चन को गलत मत कर देना, मेंशन किया हुआ रहेगा तभी आगे बढ़ना। तो क्या है फिर बताओ, फिर से वही हाइड्रोजन का 2 वाला लफड़ा हो रहा है, हाइड्रोजन 3, तो यहां पर कम से कम अगर 3 भी लगाते हैं तो 6 हो जाएगा, और यहां 4 नहीं, यहां पर अगर 3 लगाते हैं थोड़ा करके देखो, बैलेंस करो खुद से और ट्राई करो। चलो बताओ बच्चों,
क्या होगा? यहां दो अगर लगाते हैं और यहां दो और यहां पर दो, पोटेशियम का दो तो पोटेशियम का दो, ऑक्सीजन का दो तो ऑक्सीजन का दो, हाइड्रोजन का दो दो चार तो हाइड्रोजन का दो दो चार, ठीक है। अच्छा ये समझ लेना, कल भी मैंने बताया था ये जो अपन क्वेश्चन कर रही है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बीच बीच में जो इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो इस पूरे चैप्टर में ढेर सारा रिएक्शन अलग से भी उसको भी बैलेंस करेंगे, है ना। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाना, ये सिर्फ वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो एक्सरसाइज में बैलेंसिंग के तहत दिया हुआ है, बाकी इस पूरे चैप्टर में ढेर सारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसको तो अलग से चैप्टर के बीच में बैलेंस करते रहेंगे, ये सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन का बैलेंस है, ठीक है, लिख करके रखो। तो अभी जो आपने क्वेश्चन किया था कल का कुछ एंडिंग का और आज का जो शुरुआत का, उसमें लैंग्वेज के फॉर्म में दिया होता, बट कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे कि लैंग्वेज में नहीं कंपाउंड का नाम पहले से लिख देता है, तो बच्चे बताते हैं कि कंपाउंड का नाम पहले से लिख देने पर थोड़ा बैलेंसिंग आसान है, तो वो तो आपका सोचने का तरीका है बॉस। दोनों तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हो सकता है कंपाउंड का नाम दिया हुआ है ऐसा, या फिर लैंग्वेज के फॉर्म में दिया रहा है तो क्रिस क्रॉस करके कंपाउंड का नाम खुद भी बनाने के लिए आ सकता है। इन क्वेश्चंस में गिवन है, आपको बस बैलेंस करना है, थोड़ा बताओ किस तरह से हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा कंपाउंड है NO3 का ट्वाइस, तो यहां पर अगर दो लगाते हैं, ऑक्सीजन की सब हो चली ऑक्सीजन, और यहां पर अगर क्यू लगाते हैं अगर हम लोग, तो अगर देखते हैं तो हाइड्रोजन का दो दो चार, तो हाइड्रोजन का चार, नाइट्रोजन का दो, तो नाइट्रोजन का दो, ऑक्सीजन का तीन दो छह दो आठ, तो छह और दो आठ, और कैल्शियम का एक और कैल्शियम का एक। उसी तरह से NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2O, Na2 है तो यहाँ पर टू लगा देते हैं, और बाकी अगर यहाँ पर टू लगा देते हैं तो ये शायद Na का दो SO4 का एक, SO4 का एक, हाइड्रोजन पर चार, हाइड्रोजन पर चार और ऑक्सीजन पर चार दो छह, तो यहाँ चार और यहाँ पर दो छह, ये बैलेंस हो जा रहा है। वैसे ही NaCl प्लस AgNO3 शायद बैलेंस लग रहा है, NaHCl एक सोडियम AgNO3, तो ये शायद सेल्फ बैलेंस है, पहले से बैलेंस है, पहले से बैलेंस को जबरदस्ती उल्टा सीधा करके बैलेंस आउट कर देना, इसका बताओ। ये शायद किया था क्या थोड़ी देर पहले, BaCl2 H2SO4, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, ये BaBa, क्लोरीन का दो, क्लोरीन का दो, हाइड्रोजन का दो, हाइड्रोजन का दो, सल्फेट का एक, सल्फेट का एक, ये बैलेंस हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहाँ पर पहले से ही कंपाउंड का नाम दिया रहेगा, आपको सिर्फ बैलेंस करने का जिम्मेदारी है। अब देखो, अब फिर से जैसे कि अभी बताया गया, अब इसमें फिर लैंग्वेज वाला आ गया, तो लैंग्वेज वाला आ गया तो फिर से हम लोगों का दिमाग लगाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH वैलेंसी कैल्शियम का दो, हाइड्रोक्साइड का वन, कंपाउंड का नाम इस CaOH का होल ट्वाइस, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड इस CO2, इसमें बोला नहीं स्टेट, स्टेट लिखने तो आपने तो दिमाग लगा के स्टेट मत लिख देना, कैल्शियम कार्बोनेट इस CaCO3 प्लस वाटर इज H2O, पहले यहाँ तक आओ और फिर बैलेंस करके दिखाओ क्या है। लगता है कि ये पहले से बैलेंस है क्या, पहले से बैलेंस है, कैल्शियम का एक, ऑक्सीजन का दो दो चार, ऑक्सीजन का तीन और एक चार, हाइड्रोजन का दो, हाइड्रोजन का दो, कार्बन का एक और कार्बन का एक, तो ये सेल्फ बैलेंस है, ये बैलेंस है। इसके बाद वाला करते हैं, जिंक इज Zn, सिल्वर नाइट्रेट, अब यही सिल्वर अभी मैं बताया था, ज्यादातर मेटल का तो टू लिख रहे, बट सिल्वर गोल्ड इन सबका वन होता है, सोडियम पोटेशियम का तो वन है ही, सिल्वर गोल्ड का भी वन, सिल्वर Ag का वन और नाइट्रेट क्लास नाइन्थ में पढ़े थे NO3, इसका वैलेंसी वन, क्रिस क्रॉस, दिस इज Ag Og Log Sunog नहीं, सिल्वर का वन, NO3 का वन, सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट। अब जिंक देखो, जिंक का दो होता है वैलेंसी, जिंक इज दो, 20 के बाहर है, कल भी बताया था इसका वैलेंसी टू, याद करो, तरीका नहीं है 10th क्लास में निकालने का। नाइट्रेट का वन है, जिंक नाइट्रेट इज Zn, NO3 का होल ट्वाइस, सिल्वर मेटल है, अकेला मिलेगा Ag, ठीक है।
क्रिस क्रॉस में करते रहो, कंपाउंड का नाम भी बनाते रहो और बैलेंसिंग भी करते रहो। अब बताओ NO3 तो दो लग रहा है, तो यहाँ दो लगा देते हैं, यहाँ दो लगा देते तो लगता है बैलेंस हो जा रहा है। Ag का 2 है, Ag का 2 है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का 6 है और ऑक्सीजन का 6 है, नाइट्रोजन का 2 है, तो बैलेंस है। एल्यूमिनियम इज Al प्लस। अब यहाँ पर है कॉपर, कॉपर क्लोराइड। अब फिर यहाँ पर प्रॉब्लम है, 9th क्लास में बताया गया था कॉपर इज अ मेटल विच शोज वेरिएबल वैलेंसी, 1 भी शो करता है और 2 भी शो करता है। ये सब अब याद करना पड़ेगा एग्जाम में। कॉपर इज अ मेटल विच शोज वेरिएबल वैलेंसी 1 भी और 2 भी, ठीक है। तो यहीं पर बात चल रहा था कि कॉपर इज अ मेटल विच शोज वेरिएबल वैलेंसी 1 भी 2 भी, 1 भी 2 भी, 1 भी 2 भी। और क्लियर कट नियम कानून है बच्चों, 9th में सिखाया गया था। वेरिएबल वैलेंसी में हिंट रहता है क्यूपरस क्यूप्रिक, क्यूपरस मतलब 1, क्यूप्रिक मतलब 2, क्यूपरस मतलब 1, क्यूप्रिक मतलब 2। बट इस क्वेश्चन में ना क्यूपरस लिखा हुआ है ना क्यूप्रिक लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ब्रह्मास्त्र चलाएंगे। 9th क्लास में बताया गया था 20 के बाहर का मेटल है सिल्वर गोल्ड को छोड़ करके। तो अगर कोई क्लियर हिंट नहीं है कि उसका वैलेंसी कितना है तो हम लोग 2 ले लेंगे, ठीक है। वैसे तो इसमें क्यूपरस या फिर क्यूप्रिक लिख करके देना चाहिए था, बट नहीं दिया है तो हम लोग वैलेंसी 2 ले लेंगे। इसको याद रखना, हिंदी में लिखना है तो वहीं पर कॉपी में लिख लेना, बाद में मेरा जिम्मेदारी नहीं है। तो कॉपर का 2, क्लोरीन का 1, दिस इज CuCl2 कॉपर क्लोराइड। तो फॉर एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की 3, क्लोरीन की 1, दिस इज AlCl3 प्लस कॉपर, ठीक है। AlCl3 प्लस कॉपर, इसको लिखो और इसको बैलेंस करो। हाँ तो बैलेंस कर रहे थे आप लोग, बताओ बच्चों कैसे बैलेंस किया जाए। यहाँ पर थोड़ा क्लोरीन पर 3-2 वाला प्रॉब्लम है, तो यहाँ 2 लगाते तो 6 हो जाएगा, यहाँ 3 लगाते तो 6 हो जाएगा, यहाँ 3 लगाते तो 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 लगा देते तो 2-3 2-3 ना। एल्यूमिनियम का 2, एल्यूमिनियम का 2, कॉपर का 3, कॉपर का 3, क्लोरीन का 6, क्लोरीन का 6, एल्यूमिनियम का 2, तो ये बैलेंस हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन में याद करना है, क्यूपरस क्यूप्रिक, क्यूपरस क्यूप्रिक, क्यूपरस क्यूप्रिक बोलता तो ठीक है, नहीं बोला तो 20 के बाहर का मेटल का 2 ले लेंगे, ठीक है। उत्तर से बेरियम क्लोराइड, बेरियम का 2, क्लोरीन का 1, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का 1, सल्फेट का 2 विल गिव, अच्छा ये क्वेश्चन ही पूरा नहीं लिखे, गिव बेरियम सल्फेट होना चाहिए। ये क्वेश्चन लिखते लिखते फोन आ गया था, तो क्वेश्चन है बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, है ना। तो बेरियम सल्फेट इज BaSO4, बेरियम का 2, सल्फेट का 2, पोटेशियम K का 1, क्लोरीन का 1। सो दिस इज लाइक क्रिस क्रॉस, दिस बेरियम क्लोराइड इज BaCl2 प्लस K2SO4, BaCl2 प्लस K2SO4, बेरियम सल्फेट इज BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड इज KCl। सो अब नाउ बैलेंस करो, शायद ये बैलेंस तो नहीं लग रहा है। बेरियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है, 2 है तो यहाँ पहले 2 लगा देते हैं, तो शायद ये हो गया। बेरियम का 1, बेरियम का 1, क्लोरीन का 2, क्लोरीन का 2, पोटेशियम का 2, सल्फेट का 1, तो ये बैलेंस हो गया। तो नाम लिखा हुआ वाला कंपाउंड भी आ सकता है, नाम बिना लिखे हुए खुद से कंपाउंड लिख के क्रिस क्रॉस करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में भी लैंग्वेज ही दिया हुआ है, लैंग्वेज है तो है। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम की वैलेंसी 1 और ये ब्रोमाइड है, ब्रोमीन लास्ट में INE, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन इन सब का वैलेंसी 1, वैसे ब्रोमीन की वैलेंसी 1, तो इसको ख्याल रखना। 20 के बाहर वाला थोड़ा बताना पड़ रहा है, ये बेरियम है Ba, तब से कई बार आ चुका है 2, आयोडीन है दिस इज 1, पोटेशियम आयोडाइड K की 1, आयोडीन की 1, बेरियम ब्रोमाइड बेरियम की 2, ब्रोमीन की 1। तो इफ यू विल क्रिस क्रॉस
Compound name will be KBR, potassium bromide. Crisscross. Barium iodide, BaI2. State भी लिखा हुआ है तो लिखते चलो. Aqueous, aqueous. Potassium iodide is Ki. Aqueous. Barium crisscross, Ba, Br2. ये solid. अब देखो, आयोडीन का दो लग रहा है, यहाँ पर दो लगा देते हैं. पोटेशियम पर दो लगा देते हैं तो शायद हो गया. पोटेशियम का दो, पोटेशियम का दो, ब्रोमीन का दो, ब्रोमीन का दो, बेरियम अकेला, बेरियम अकेला, आयोडीन का दो, तो आयोडीन का दो. अब जिंक कार्बोनेट, जिंक का वैलेंसी होता है 2, 20 के बाहर है, 20 के बाहर है, निकालने का कोई तरीका नहीं, कई बार बता चुका हूं, दो होगा. कार्बोनेट क्लास 9 में पढ़े थे, इसका 2 होता है. क्रिस क्रॉस करेंगे तो कंपाउंड नेम विल बी जिंक कार्बोनेट, और ये 2 ट्रा जिंक ऑक्साइड, फिर से वही जिंक की 2, ऑक्सीजन की 2, क्रिस क्रॉस करेंगे तो जिंक ऑक्साइड आएगा. सॉलिड है तो लिख देते हैं सॉलिड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2. यस, ये शायद पहले से बैलेंस होना चाहिए. जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बन ऑक्सीजन, ये सेल्फ बैलेंस्ड है, ये सेल्फ बैलेंस्ड है, ठीक है. उसके बाद हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो हाइड्रोजन गैस है, प्लस क्लोरीन भी गैस है, बनाता हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये भी गैस है, और यहाँ पर दो लगा देने पर ये बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है. उसी तरह से मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव मैग्नीशियम क्लोराइड, Mg2 क्लोरीन की 1, दिस इज MgCl2 एक्वस फॉर्म में, प्लस हाइड्रोजन गैस में, ठीक है. तो अब बताओ क्या होता है, Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2, तो H2, तो ये शायद हो गया बैलेंस. Mg एक, क्लोरीन दो, हाइड्रोजन दो, ये बैलेंस हो चला. तो देख लो, दो तरह का क्वेश्चन है, या तो लिख करके देगा और या फिर खुद से लिखो, क्रिस क्रॉस करो, कंपाउंड बनाओ, फिर बैलेंस करो. अब इस क्वेश्चन को देखो, ये भी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल है. इसको देखो, Fe प्लस H2O विल गिव Fe3O4 प्लस H2, तीन है, सीजन 4, यहां पर 4 लगाने पर ये बैलेंस हो जाएगा. आयरन 3, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ठीक है. तो ये बैलेंस हो गया. इस कंपाउंड का नाम क्लास 9 में पढ़ाया गया था, दिस इज नोन एज आयरन 2-3 ऑक्साइड. ये क्यों बता रहा हूं, जो लोग पढ़ने में ठीक है वो लोग समझ रहे होंगे, ये जब आता है बोर्ड के एग्जाम में ऐसे लिख करके नहीं आता, ऐसे लिखा हुआ रहेगा, आयरन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म आयरन 2-3 ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. तो ये कंपाउंड का नाम मालूम होना चाहिए, ठीक है, इसको लिख लो. ठीक है बच्चों, वैसे डेफिनेशन तो ठीक है, अपने जगह पर है, डेफिनेशन एग्जाम में लिखने के लिए आता नहीं है, बट क्या फाइनली क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन विच हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. और ये बताया गया था, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन. ये सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पर बेस होता है कि ये केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद जो मास है, या फिर एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या फिर मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. इसीलिए नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट में होगा सारे एलिमेंट का, और नंबर ऑफ एटम्स जो प्रोडक्ट का होगा सारे एलिमेंट्स का, उसको हम लोग को बैलेंस करना पड़ता है. ये बैलेंसिंग है, इसका ये मतलब नहीं कि बैलेंसिंग खत्म हो गया. अभी आपको बताया गया, पूरे चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ढेर सारा रिएक्शन और ढेर सारा इक्वेशन आएगा, उसको अलग से भी बैलेंस करेंगे, बट एनसीईआरटी के क्वेश्चन के हिसाब से बैलेंसिंग में ये सब दिया हुआ है, ठीक है. यहीं तक रहेगा, यहाँ पर आज का वीडियो जो है वो खत्म होता है. वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके रखो, और ऑनलाइन मोड पर पेमेंट करने का ट्राई करो बच्चों, ठीक है. यहीं तक रहेगा, रेगुलर क्लासेस चल रहा है,
आप लोगों का एक डेढ़ महीने से ऊपर का क्लास हो चुका है, ट्राई टू डू ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, यहीं तक रहेगा, थैंक यू।